हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपसिक में। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे आपके 7 से 9 अक्टूबर के बीच में जितने भी एग्जाम के अपडेट्स लेके आए, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस विज्ञापन से रिलेटेड हो, चाहे उसके बारे में पोस्ट से, और चाहे आज 9 अक्टूबर को जो आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर का डीबी हुआ है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चीज़ें, वो सब सारी चीज़ें लोअर पीसीएस के रिजल्ट को लेकर और एक और लोअर पीसीएस की भर्ती आने वाली। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। ये सारी चीज़ें मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स होते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करती हूं। तो हमारे चैनल के थ्रू इस सारी अपडेट्स को लगातार पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा से मिल जाए। फ्रेंड्स, यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं, जैसा कि आपका मेंशन किया गया है पीसीएस 2019 का विज्ञापन इसी में। हालांकि मैंने ये सब सारी चीज़ें जो भी आपकी होती है रिसेंट में तुरंत टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप बने हैं सब मैं पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा संख्या में हो जाती है तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो इससे रिलेटेड बना देता हूँ। क्रैश कोर्स लगातार हमारे चैनल पर चल रहा है, तो लोअर पीसीएस मेंस का कटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और जितने लोगों का मतलब उसके आसपास में एक दो नंबर कम आ रहा है तो प्लीज़ अपनी मेंस की तैयारी कंटिन्यू कर दिए। अभी लास्ट में मैं बताऊंगा कि कब आपका रिजल्ट आ रहा है और उसी के बाद आपको टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए इस चीज को कंटिन्यू रखें। पीसीएस 2019 का विज्ञापन इसी माह आएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजों को देख सकते हैं, दशहरा के बाद विज्ञापन जारी होने का चांसेस है, ऑलरेडी दशहरा आपका बीत चुका है, तो ठीक है ये सब सारी चीजें हैं। और इसीलिए आयोग ने परीक्षा 25 जुलाई को परीक्षा कैलेंडर में जब जारी हुआ था तो 2020 में भी होने वाले पीसीएस परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया ताकि प्रतियोगी तैयारी ठीक से कर सके। अक्टूबर का महीना पीसीएस परीक्षाओं के लिए खास है हो गया है। पीसीएस 2017 का इंटरव्यू 1 अक्टूबर तक चला है जो कि आपका आपको पता ही होगा। जल्द इसका अंतिम चयन रिजल्ट इसी महीने में भी आने वाला है और 18 अक्टूबर से पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा होगी। लखनऊ और इसका केंद्र बनाया जा चुका है लखनऊ प्रयागराज को। फ्रेंड्स, एक अब अमर उजाला की कटिंग दिखाता हूँ जिसमें आपको पोस्ट से रिलेटेड थोड़ी सी व्यू दी गई है। फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं, जैसा कि उसमें नहीं दिया था लेकिन ये अमर उजाला की है। इस बार 250 से ज़्यादा मतलब 250 से 300 के बीच में ही पोस्ट आने वाली है। इस बार जो आपका कंपटीशन होगा बहुत बड़े लेवल पे होगा फ्रेंड्स, तो इसलिए तैयारी को आपको बहुत ही बड़े लेवल पे करनी है, बड़े स्तर से करनी है और काफ़ी बेहतरीन करनी है। तो चलिए और आगे की न्यूज़ जो है वो अपडेट्स को हम देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा तो उसमें आपको बता दूँ 2 सीट में आज भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हुआ है 2 सीट में। और ढेर स्टूडेंट का कमेंट्स भी आया था काफी सारे पहले ही कि सर जो जिस हिसाब से पहले डीबी में हम लोग को टाइम मिला था तो क्या हमें मिलेगा। तो फ्रेंड लगभग 3 से 4 बजे के बीच में मेरा एक स्पेरेंट से बात हुई जो इस बार अभी इंटरव्यू मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है आज के डेट में, तो उसने बोला कि जो प्रॉब्लम थी बेसिक प्रॉब्लम बहुत कम ही बच्चों की थी और जिनको है तो उनको 10 दिन का फिर से टाइम दिया गया। तो इसी चीज़ के बीच में जैसा कि मैंने ऑलरेडी बहुत पहले वीडियो में बता दिया कि आपके अक्टूबर जो 15 मतलब द्वितीय पक्ष में ही 15 के बाद ही आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो घोषित किया जाएगा इसमें। तो आज के प्रोसेस में ये होगा 9 से 11 के बीच में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, उसके बाद जितनी भी पूरी डिटेल्स होगी मैं फिर से एक नए वीडियो लेकर आऊंगा उसमें सारी चीजें बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लोअर पीसीएस के रिजल्ट डेट को लेकर, ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस भी करूंगा लेकिन साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को बता दूं यहाँ पे। जैसे जो ऑफिशियली न्यू अपडेट होके आया, जैसे ये है आपका नलकूप ऑपरेटर नलकूप चालक का जो आपका नया डीबी जो फिर से हो रहा है, जो नए बच्चों का चयन हुआ था 783 बच्चों का, तो 9 से लेकर 11 के बीच में इनका डीबी होगा। अगली अपडेट देख लेते हैं इसमें 7 पे जो 2016, ये काफ़ी अपडेट्स है जो कि मैंने अपने थंबनेल नहीं दिया है लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जिनका 2016 वाला फिर से आपका एग्ज़ाम जो हुआ था संशोधित आंसर की वगैरह सब कुछ आ चुकी है, इनका जो है वो रिजल्ट आने वाला है फ्रेंड्स अक्टूबर के द्वितीय पक्ष में मतलब द्वितीय सप्ताह में या तो 15 के बाद, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है लेकिन जल्द ही आने वाला है। और इनका साक्षात्कार मतलब 20 नंबर का जो इनका इंटरव्यू होने वाला है उनका उनको लेके जो सम्मिलित होंगे उनके आधार पर फाइनल रिजल्ट ये आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। अब बांटते हैं अपने सीधा सीधा वो पॉइंट पर जहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई, यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। ये है इसमें दे रखा है एक परीक्षा 2019 सम्मिलित वही जो आपने अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है, ये पूरी चीज़ है। 4 अक्टूबर को आपके उत्तर किंजी भी आ चुकी है। माह दिसंबर 2019 में लिखित परीक्षा प्रारंभिक का परिणाम संभावित होगा और जनवरी में पूरा मतलब मैंने थोड़ा सा पता किया जो वहाँ पे कर्मचारी हैं तो जनवरी में इसका मेंस भी करवाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ है, ये पूरी अपडेट्स है और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बता दूँ फ्रेंड यहाँ पे।
फ्रेंड्स, जो लोग यूपी पीसीएस के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कंपटीशन वर्ल्ड के नाम से सुपर सक्सेस आईएएस पीसीएस का क्रैश कोर्स पीडीएफ के फॉर्म में चल रहा है। ये सारी पूरी डिटेल्स है यहाँ पे, ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपको प्रत्येक दिन 3 से 4 पीडीएफ भेजी जाएंगी। प्रत्येक पीडीएफ में 100 बुलेट पॉइंट रहेंगे। प्रत्येक टॉपिक पीडीएफ के साथ में सेक्शनल टेस्ट भी लिया जाएगा। ये सारी ढेर सारी चीज़ें हैं और इनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ 8 अक्टूबर से है। क्रैश कोर्स जो प्रारंभ होगा आपका 15 अक्टूबर से हो जाएगा। ये पूरी डिटेल्स है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और इस नंबर का स्क्रीन शॉट लेके आप कॉल करके सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल का रेफरेंस देते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एक डेमो टेस्ट, मतलब पूरे पीडीएफ के फॉर्म में, वहाँ से आप सारी चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं। यूपी पीसीएस के लिए, लोअर पीसीएस के लिए इनकी पूरी क्रैश कोर्स चली थी, काफ़ी हेल्पफुल रहा, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था। तो आप इसको अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो सारी चीज़ें इसको देख के आप कॉल करके नंबर पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रही पूरी अपडेट्स। अभी फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद है। ऐसे ही सारे लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके अगर अभी भी कोई व्यू है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।